नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे डायरी न्यूज में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 8 अक्टूबर को करवा चौथ है। अब पतियों को अभी से धर्म पत्नी के गिफ्ट में होने वाले खर्च की चिंता सता रही है, लेकिन इस बार पतियों को उपहार मिलने वाला है। जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस इस बार करवा चौथ पर सुहागनों को सड़क सुरक्षा से जोड़ेगी। पुलिस छात्र छात्राओं को लेकर परिवार की महिलाओं को जागरूक करने का अभियान शुरू करने जा रही है। इसी कड़ी में शहर में प्रमुख चौराहों पर 15 जगह बैनर लगाए गए हैं, जिसमें सुहागनों से करवा चौथ पर परिवार को हेलमेट की सुरक्षा देने का अनुरोध किया गया है। यातायात पुलिस द्वारा करवा चौथ पर सुहागनों से परिवार की सुरक्षा को लेकर अनुरोध करने वाले बैनर तैयार किए गए हैं। इसमें सुरक्षित यात्रा के स्लोगन लिखे गए हैं। इस बैनर में सुहागन एक एक बैनर में सुहागन की तस्वीर लगाई गई है, उसके हाथ में छन्नी तो दूसरे हाथ में हेलमेट दर्शाया गया है। इसी बैनर में दूसरी तस्वीर पति और बच्चे की दी गई है, जो हेलमेट लगाकर बाइक पर दिखाई देगा। बीच में सुहागन से इस करवा चौथ परिवार को हेलमेट की सुरक्षा देने का अनुरोध किया गया है। वहीं दूसरे बैनर में भी सुहागिन महिला को दर्शाया गया है, जिसमें इस करवा चौथ को पति को हेलमेट पहनाने को कहा गया है। पुलिस अध्यक्ष नगर यातायात धीरेन्द्र गुजियाल के मुताबिक करवा चौथ पर महिलाओं से अनुरोध किया गया है, क्योंकि हेलमेट न पहनने के कारण 15 साल से 29 साल के लोगों की मौत हो रही है। तो इस बार इस करवा चौथ पति नहीं, पत्नियां देंगी अपने पति को सुरक्षा का गिफ्ट।